नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम है टॉपिक का? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। उसने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो स्पेशल लॉ बताए जिनको यूज़ करके हम किसी भी टिपिकल सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो लॉ कौन कौन से हैं? जो पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में उसको बोलेंगे केसीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। और जो सेकेंड लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम क्या बोलेंगे? केवीएल बोलेंगे शॉर्ट में, यही हम टर्म्स यूज़ करेंगे। तो केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ यानी कि करंट के लिए कोई लॉ है ये, ठीक है। अब पहला लॉ अपन बात करते हैं इसकी, केसीएल की बात करते हैं। तो केसीएल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर दो से ज़्यादा ब्रांचेज अगर आपस में मिल रही हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही हैं और उनमें कुछ करंट भी आपको दिखाया हुआ है, जैसे I1 करंट, I2 करंट। अब किसी ब्रांच में करंट इस पॉइंट पे आ रहा होगा और किसी पॉइंट से, मतलब किसी पॉइंट पे किसी ब्रांच में करंट बाहर निकल रहा होगा, तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में हम यहाँ पे करंट को कंसिडर कर रहे हैं। ये मान लो पाँच ब्रांचेज हैं जो इस पॉइंट पे कनेक्टेड हैं और इनमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं? या फिर जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही होती है, ये हो गया नोड। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा करंट आ रहा है कम करंट बाहर निकल रहा है, क्योंकि नोड तो एक पॉइंट है। जस्ट अलग अलग ब्रांचेज से अगर करंट आएगा तो बाकी की ब्रांचेज से, मतलब कुछ ब्रांचेज से करंट आएगा और कुछ से बाहर निकलेगा, है ना। ये ना तो करंट को होल्ड करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भी हाँ अलग अलग ब्रांचेज से 10 एम्पियर करंट मिला के आया और 5 एम्पियर ही वहाँ से बाहर निकलेगा, जितना आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग करंट है वो हमेशा किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के। समझ में आया कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होंगे। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है? तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I5, और ये बराबर होगा आउटगोइंग करंट I2 और I3 और I4। समझ में आया? इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि टोटल करंट किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जीरो होता है, जबकि इनकमिंग करंट को हमको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है और जो आउटगोइंग करंट है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इनकमिंग करंट पॉजिटिव मान के लिखो, तो I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I5 पॉजिटिव। तो मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I5, और जो आउटगोइंग करंट है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में, माइनस I3 माइनस I4, और ये सब मिला के क्या होगा? जीरो। क्या दोनों इक्वेशन सेम ही है क्या? एक ही तो बात है, इसको इक्वल के इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएंगे टर्म्स। तो दो तरीके से बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। एक ही इक्वेशन बनेगी। किरचॉफ्स लॉ जब भी हम अप्लाई करेंगे ना, तो किसी मतलब सर्किट के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो हमेशा इक्वेशंस बनेंगी उससे, और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। जैसे इससे क्या होगा, करंट या वोल्टेज की वैल्यूज़ पता चलेंगी इक्वेशन से, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमने लिखी है किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली जाती है कई बार कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भी किरचॉफ ने कुछ तो ध्यान में रख के ये लॉ बनाया होगा। तो उसने क्या ध्यान में रखा कि करंट हमेशा चार्ज के मोशन की वजह से फ्लो होता है। करंट किसकी वजह से फ्लो होगा किसी भी वायर में? इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। तो उसने ये सोचा कि अगर ये नोड या जंक्शन चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता तो जितना चार्ज आएगा अलग अलग ब्रांचेस से उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा चार्ज आ रहा है कम चार्ज बाहर निकल रहा है, या कम चार्ज आ रहा है ज़्यादा चार्ज यहाँ से बाहर निकला, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर चार्ज के फ्लो की रेट अगर बराबर होगी, जितना चार्ज आया उतना ही अगर बाहर निकल गया, तो उसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो उसने क्या बोला, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होते हैं। क्या ध्यान में रखा उसने, बेसिक लॉ कौन सा यूज़ किया? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा नोड के ऊपर ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा कहीं से ना ही जो है वो कम होगा, ठीक है। जितना है उतना का उतना रहेगा, उसकी फ्लो रेट इनकमिंग और आउटगोइंग चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी? बराबर होगी, जिसको हम करंट बोलेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है।
क्लियर है ना। इस पे वन मार्क्स वाला क्वेश्चन यही आता है कि किरचॉफ करंट लॉ कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ट होता है, तो लॉ कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ लेगा ये लॉ बताओ, पूरा बता देंगे अपन, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, दूसरा जो लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसको समझते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक क्लोज लूप के लिए लगाया जाता है, ओपन लूप के लिए भी लगा सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेनली हम किसके लिए लिखते हैं इसको, क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको ध्यान से समझना, ये ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये कोई एक सर्किट है जिसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग बैटरीज वगैरह कनेक्टेड हैं, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, और भी बड़ा सर्किट हो सकता है। मैं एक सिर्फ एक लूप यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, लूप मतलब ऐसे क्लोज पाथ, R1, R2, R3 और R4, ये रेजिस्टेंस है, E1, E2 ये दो सेल हैं, ऐसा कोई सर्किट है, और इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो है वो मान लेते हैं I, कुछ ना कुछ करंट होगा। ठीक है, सर्किट में एक करंट है I। ठीक है, जब भी आप ये लो अप्लाई करो तो सर्किट में करंट आपको दिखाना पड़ेगा पहले, तभी हम लिख पाएंगे इक्वेशन वगैरह। तो करंट आप मनमर्जी से किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, जैसे एक बड़ा सर्किट है तो उसमें अलग अलग ब्रांचेज में कितना कितना करंट फ्लो है वो आपको उसमें एज्यूम करना होता है, जैसे इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, ऐसे। हाँ, ये ध्यान रखना कि एक ही ब्रांच में दो करंट एज्यूम मत कर लेना कि एक ब्रांच है यहाँ से करंट I1 चला आगे पहुँच के वो I2 हो गया, ऐसा नहीं, एक पूरी ब्रांच में करंट एक ही रहेगा, अलग अलग ब्रांचेज में करंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सर्किट ऐसा हमने कंसिडर कर लिया, एक क्लोज लूप है, इसका कुछ नाम भी रख देते हैं अपन, A, B, C, D, A। जब आप लूप की बात करोगे तो वापस से ए पे आना है अपन को, A, B, C, D, A, ये इस लूप का नाम होगा। ABCD लूप नहीं है ये, ABCD तो डी पे रुक गए ना अपन, तो ABCDA लूप है ये। ठीक है, तो ये एक लूप है। अब जब भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हो तो उसमें एक लूप लेना है, पहली बात तो ये, उसमें कुछ करंट एज्यूम कर लेना है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज लूप की आप बात कर रहे हो तो उस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे किरचॉफ करंट लॉ में क्या जीरो था, टोटल करंट जीरो था किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जीरो होगी, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का रीज़न, क्योंकि हम ए से चलेंगे, ए का पोटेंशियल मान लो वी ए है, और वापस घूम के कहाँ पे आ गए, ए पे ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जिनका पोटेंशियल वी ए है तो उनका डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। इसलिए इक्वेशन बनी कि जब आप किसी भी क्लोज लूप के लिए इक्वेशन लिखोगे तो जिस पॉइंट से चले हो अगर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए आप, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, जीरो होना है। ठीक है, अब जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, अब बीच में और भी तो चीज़ें आ रही हैं तो उनके लिए भी कुछ इक्वेशन लिखोगे, इक्वल टू जीरो लिखना है, तो बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए जब आप इक्वेशन लिख रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ रेजिस्टेंस आएगा तो कैसे लिखना है, वोल्टेज सोर्स आएगा, कोई बैटरी आएगी तो कैसे लिखना है वोल्टेज, यानी प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, उसके दो रूल हैं। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के लिए बताता हूँ, पहले रेजिस्टेंस के लिए देखो, रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल है कि अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज ड्रॉप को लिख रहे हो, मान लो करंट इधर है और आप जब भी आप KVL अप्लाई करोगे किसी भी लूप के लिए, तो आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना है, तो आप एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे उस लूप के ऊपर। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मान लो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिख देना है। लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे तो उसको नेगेटिव सिंबल, इधर से इधर आ रहे हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अक्रॉस V=I×R, तो I×R को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिखना है, करंट के डायरेक्शन में चलो तो पॉजिटिव, अपोजिट चलो तो नेगेटिव। दूसरी चीज़, आपको बैटरी मिलेगी रास्ते में, भाई सर्किट के अंदर दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, एक तो वोल्टेज खाने वाली चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह लोड जो वोल्टेज खा जाएंगे बीच में, और एक वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने वाली चीज़ सेल बैटरी। ये हमेशा दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा और कोई कंज्यूम कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका सिंबल है, कंज्यूम करने वाले कंपोनेंट्स का, एक तरह से इसके लिए ये करना है, रेजिस्टेंस मिले तो ये करना है।
अगर आपको रास्ते में कोई बैटरी मिल गई तो, अब मैं बैटरी या सेल के लिए बता रहा हूँ, बैटरी और सेल में फ़र्क समझते हो क्या? वैसे सेल अकेला होता है, और बहुत सारे सेल को मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो सीरीज में, तो वो बन जाती है बैटरी। ठीक है, तो अगर बैटरी या सेल है तो उस कंडीशन में क्या करना है? मान लो ये आ गया सेल या कोई बैटरी, एक ही बात है, तरीका एक ही रहेगा दोनों को देखने का। इसका EMF है E। ठीक है, तो इसमें जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में चलने से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिलता है, तो इसका EMF या इसका वोल्टेज आपको प्लस सिंबल के साथ में लिखना है। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा टर्मिनल पहले मिलेगा? पॉजिटिव, ये मिला पहले, तो मैं लिखूँगा प्लस ई। लेकिन मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो माइनस ई लिखना होगा। वोल्टेज तो ई है, EMF ई है, लेकिन उसको प्लस माइनस किस हिसाब से लिखना है? इस तरीके से देखना है। अब कई बुक्स में क्या होता है, जस्ट इससे उल्टा बताया होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन एक ही बनेगी, क्योंकि इक्वल टू हमेशा क्या होगा? जीरो। अगर आप इसका उल्टा कंसिडर करते हो, कई बुक्स में साइन कन्वेंशन उल्टा होता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसको नेगेटिव ले लो, उल्टा चलो तो पॉजिटिव ले लो, है ना? लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है थोड़ा समझने में, कि सेम डायरेक्शन चलो तो पॉजिटिव, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव। अपोजिट को अपन नेगेटिव से सिंबल से शो करते हैं ना, इसलिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये याद कर सकते हो। अगर आप पहले से नहीं जानते हो किरचॉफ्स लॉ के बारे में, तो ये याद कर लेना। और पहले अगर आपने पढ़ रखे हैं और उसमें उल्टा साइन कन्वेंशन आपने पढ़ रखा है कहीं पे, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है, तो उसको वो ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम बनेगी। क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, जैसे ए माइनस बी इक्वल टू जीरो लिखा सपोज, तो उसको मैं माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो है, इक्वल में जीरो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वेशन क्या हो गई? जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वो क्यों रहे नहीं। चलो ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे इस लूप के लिए? कौन सा लूप है ये? ए बी, नाम बताओ इसका, ए बी सी डी ए। इस लूप के लिए KVL अप्लाई करना है। ठीक है, शुरू से चलो। सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो क्या? तो क्या करना होगा? पॉजिटिव I इंटू R1 लिख दिया। ठीक है जी, फिर आगे गए तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो मैं क्या लिखूँगा? प्लस E1 लिखना है। फिर आगे गए, फिर आपको एक और रेजिस्टेंस मिला जिसमें करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, प्लस I इंटू R2। फिर आगे गए, अगेन एक रेजिस्टेंस I इंटू R3। ठीक है, और फिर आगे गए तो नेगेटिव टर्मिनल मिला इस बार, तो माइनस E2। और कुछ है क्या? एक R4 और है, प्लस, और हाँ I इंटू R4 इक्वल टू क्या कर देना है? ये लो, आया समझ में? लिख सकते हो ना ऐसे इक्वेशन इसमें। बस आपको ये दो रूल याद रखने हैं, ये याद रखो कि कैसे प्लस दिखाना है, किसको माइनस दिखाना है। दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, या तो वोल्टेज कंज्यूम करने वाला या वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला। तो उसके अच्छा, अब ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये लॉ कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है? ये भी लॉ है, लेकिन ये एक बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। क्या हो सकता है वो लॉ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे? देखो यहाँ पे दो ही टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, या तो वोल्टेज खाने वाला या वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला। अब जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उतना ही तो खाएंगे ये रेजिस्टेंस मिलके, उससे ज़्यादा खा सकते हैं? बैटरीज ने मिलकर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस 15 वोल्ट खा गया। कहाँ से खाएगा अभी 15 वोल्ट? 10 वोल्ट ही बना। ठीक है, तो जितना एनर्जी या जितना एक तरह से एनर्जी ये बैटरी या सेल सप्लाई करेंगे, उतनी एनर्जी तो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी ना तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी ना है उससे कम होगी, मतलब हर जगह यही होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए क्या याद रखना है, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? आया कि नहीं आया? अरे सिंपल है क्या एकदम? तो दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।